जैसे आपके मम्मी पापा है ना, सबके नहीं होते, सबके पास नहीं होते जो आपकी मदद करते ना, ऐसे नहीं होते। माता पिता कभी उन बच्चों से पूछो जो रात आने में है, जिनके जीवन पर उनके माता पिता ही नहीं है, जो लोगों को यूं ही छोड़कर चले गए, उनसे पूछो अपने माता पिता की कीमत। एक बच्चा अपनी माँ से क्या, माँ मेरे को सिखाते रहती है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो बताएगी मैं कैसे करूँ। आज बच्चे कुछ इस प्रकार से अपने माँ बाप के साथ बातें करते हैं। लड़कियां कहते क्या, दिन भर काम करते रहती हूँ, तेरे को दिखता नहीं है, और कोई दूसरा आ गया तो आप कैसे, बैठ जाइए थोड़ा सा, बैठिए, अगर चोट लग गया आपको, दूसरों का मानर दिखाते हैं और अपने घर पर हम अपनों का ही अनादर करते हैं। हम अपने माता पिता को कई बार कोसने लगते, ऐसी अवस्था सबके जीवन पर नहीं होती, सबके जीवन पर ना मम्मी पापा की जरूरतें भी पूरी, सबके पास नहीं होता। सुनना जितने जवान बच्चे अपने कभी ना कभी ऐसी बातों को अपने पिता और अपनी माता के सामने गुस्से में आकर या जानबूझकर या किसी और के साथ आपका झगड़ा हो गया होगा, तो आपने अपना सारा गुस्सा अपने माँ बाप के ऊपर, तू नहीं जानती है क्या कैसे रहना है। कई लोग तो इस हद तक भी कहते कि देखना मैं तेरा घर छोड़ के चले जाऊंगी, देखना मैं तेरा घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो मेरे को पैसा नहीं देगी ना तो मैं दो दिन का खाना नहीं खाऊंगा। परेशान करते रहते हैं, थोड़ी देर हुआ है फोन चलाने के लिए, चलाने दो ना, वो रात भर चलाता है, लेकिन जब भी उसकी माँ कहती छोड़ देना बेटा थोड़ा सा काम कर ले, थोड़े से काम में हाथ बटा दे, हमारी गनीशा के बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमसे बातें करने के लिए उनको सहूलियत होती है, सोचने के लिए हमारी उम्र का है तो आप समझेगा। वो आया और मुझसे ये कहता है कि भैया मैंने कल एक को मारा, मैंने एक को क्या किया है, मारा, वो प्रभु का जन है, हमारे चर्च पर आता है, उसने मुझको बोला भैया मैंने एक को मारा है। मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों मारा है, कुछ बातें हैं जो उनके और हमारे बीच पर होती है, बच्चों और हमारे बीच पर होती है। मैंने बोला क्यों मारा, बोला आपको नहीं मारा, क्योंकि मैं उसको जानता था, उसकी मम्मी को भी मैं जानता था, क्योंकि उसकी मम्मी हर संडे या दूसरे इतवार के बाद एक बार जरूर, जब हम सबसे जहमती करते हैं हाथ मिलाते, तो संडे जाने से पहले एक बार जरूर हाथ मिलाकर कहते हैं बेटा एक बार बच्चे के लिए प्रार्थना करना, बच्चा सुन नहीं रहा, तो मैं उसको जानता था। मैंने उसको बोला देखो बच्चों की फितर बताता हूँ, मैंने उसको बोला कि क्यों लड़ाई किया, क्यों किसी को मारा, तू परमेश्वर का बेटा है, लड़ाई झगड़ा करना ये हमारी खूबी नहीं है, ये हमारी आदत नहीं है, और वचन भी नहीं सिखाता है, तूने क्यों मारा। भैया उसने मेरे को माफ कर दिया, सुनो बोला उसने मेरे को मारा, माँ के विषय में गलत बातें कहा, माँ के विषय में गालियां दी, और मेरे को गुस्सा आया और मैंने उसको बोला तू नहीं गलत, आप भी आप भी गलत बोल रहे हो, आपके बारे में आपके परिवार के बारे में कोई गलत बोलेगा तो आप भी मानो ना मानो मारोगे ही। बोला तू गलत है, चित्र क्या है, चार लोग देख रहे हैं, चार दोस्तों के बीच पर है, उन दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैं अपनी माँ की कदर करता हूँ, वो लड़ाई करते हैं कि मुझे अपनी माँ की परवाह है, किसी ने किसी की माँ के विषय में गलत बातें कहा तो उन लोगों को दिखाने के लिए क्या कहते हैं, उसकी माँ के बारे में बोलते तो मुझे उसकी परवाह है, कर उससे झगड़ा कर दे। और वही बच्चा जब अपने घर पर जाता है अपनी माँ को ही मारता है, अपनी माँ को ही ताना देता है, अपनी माँ को ही गलत बातें,
अपनी माँ को बार बार बताता है कि तू पढ़ी लिखी नहीं, माँ भूल गई लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा, लेकिन माँ को बार बार बताता है कि तू पढ़ी लिखी नहीं है। हम जवान कब तक ऐसे जीवन में जीते रहे, कब तक ऐसी बातों को करते रहे। नहीं कहता कि आप ऐसे हैं, जरूर ये कहूंगा कि प्रभु यीशु से बात कर रहा है। यदि आप ऐसे हैं तो प्रभु का वचन आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया, प्रभु का वचन से बात किया। आमेन। यदि आपके साथ ये आप भी की घटना लोगों को दिखाने के लिए तो हर कोई तीसरा चौथा बंदा खड़ा हो जाता। थोड़ी देर पहले जब आपके घर पर मुलाकात करने गए थे तो खुदा के फादे में एक वचन को बोल रहे थे, तेरे घर का कुंडी और तेरे छत की सीट गवाही देगी। इस घर पर आराधना होती है कि इस घर पर आदर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। परमेश्वर सब देख रहा है, वो काम जो आपने खुले में किए हैं, वो काम जो आपने छुप कर किए हैं, वो निरादर जो आपने अपने माता पिता के किए हैं, परमेश्वर सब देख रहा है। फिर कहता हूँ सबके पास सीधा शायद नहीं होता, सबके पास अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा अच्छा बनाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, हर किसी के पास मान लिया हो तो कैसे समय को बदलता काम पता लगा। एक और था जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरा था, सिर्फ दो साल का था, साढ़े तीन साल का था, और एक ऐसा दौर अचानक से हमारे जीवन पर आया कि जब हमारी मम्मी हमें छोड़कर चली गई, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, तो परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो गई। तीन बच्चे हैं उनको पालना है, उनके दास तो एक खड़े, कई बार हम भी उनसे डरते हैं, जो हमेशा सारी से प्रभु की सेवा करते हैं। कल्पना करो, विश्वास करो कि जिस तरह हेलेकेल की किताब में लिखा है कि परमेश्वर, हेलेकेल 37 अध्याय पहला वचन, प्रभु का आत्मा मुझे समा कर मुझे जंगल की गहराइयों पर लेकर गया, उस तराई की गहराइयों पर वो जाना नहीं चाहता, प्रभु का आत्मा लेकर। आप कल्पना करो आज की रात में क्या हो कि प्रभु का दास आत्मा में आपके घर आ जाए। आमीन। क्या हो प्रभु का दास जब आत्मा में आपके घर आ जाए और आप आपकी बातों को देखे। क्या हो जब प्रभु का दास, क्या हो जब आराधना करने वाले अचानक से आत्मा में आपको नहीं मिला, आत्मा में प्रभु उनको आपके घर लेकर आ जाए, क्या होगा आपका सारा प्रभु कुछ विश्वासियों को मेरे घर पर लेकर आए, क्या हो जब हमारी कलीसिया से कुछ लोग प्रभु आत्मा में उन्हें हमारे घर लेकर आए, उन्हें मालूम नहीं है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सब चीजों को देख लेते हैं, ये कैसे बातें करता है, ये कैसा व्यवहार करता है, चर्च में तो बहुत होता है लेकिन यहाँ पर मसीह कहलाना अच्छी बात है लेकिन उसके लिए परखा जाना पड़ेगा, उसके लिए परखा जाना। बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जो परखे गए, बहुत खतरनाक रीति से परखे गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद शायद हमारे जीवन पर आज तक वैसी बातें नहीं आई हैं, लेकिन परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन पर। उसने सुसमाचार के बारे में आपको बुलाया ताकि तुम क्या प्राप्त कर सको, जोर से बोलो महिमा को किसके लिए बुलाया, महिमा को। ऐसे ही संसार में जीवन जिए, मसीह कहलाया, उसके बाद मर जाए, इसके लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने बुलाया कि आप उसकी महिमा को लेकर चलने वाले। वचन सिखाता है तुम महिमा के, प्रभु ने हमें क्या बुलाया, तुम महिमा के पात्र परमेश्वर ने हमें बनाया। हम कौन है मालूम, हम साधारण लोग नहीं है, हम
उस जीव के परमेश्वर की महिमा को लेकर चलने वाले हमें कौन लोग हैं परमेश्वर की महिमा को लेकर। फिर एक बात पूछो संदेश में आपके लिए प्रश्न जरूर हो और उत्तर नहीं, उत्तर का जवाब आपसे नहीं चाहूँ, उत्तर नहीं चाहूँ, प्रश्न सिर्फ पूछूंगा, उत्तर आपसे मैं रहती तकरीबन आपका इस दशा में हो, कैसा चाल चलन है, कैसी बातें करते हो, तो दिखावे का जीवन है तो सच में वो आप बेहतर जाते वो आपको पता। लेकिन एक बात आज बता, जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको बुलाया है, यदि प्रभु ने बोला उसकी महिमा को प्राप्त करके मैंने तुझे बुलाया है, तो मैं यहाँ आपको कह सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए बुलाया, मैं तेरी महिमा को लेकर चलूँ, मैं अपने कॉलेज जा अपने कॉलेज जा, लेकिन फिर तो जानना पड़ेगा इसी दो लोग को जानता हूँ अब कॉलेज जा परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना होगा। जब हम अपने कॉलेज जाए तो हम ना लिखे परमेश्वर की महिमा, आमेन। जब हम अपने काम को करें, आप जो भी काम करें, आप सोचे ये कुछ भी बोल रहा है, दादा बोले क्यों बोल रहा है, आपको बाइबल से एक बुलाहट है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया, उसकी दूसरा तीसरे की किताब उसके एक अध्याय उसके 11 और 12 दूसरा तीसरे किताब एक अध्याय 11 और 12 प्रार्थना भी करते हैं इस बुलाहट के योग्य समझे पूरा करें। आगे बात हमारे परमेश्वर का नाम। आपने सुना क्या लिखा है, बड़े ध्यान से मैंने कहा ना, बड़ी सरलता के साथ मैं आपको बात को समझाना चाहूंगा और समझने की कोशिश करेगा। वचन क्या सिखाता है, यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में क्या पाए, जोर से बोलो तुम में क्या पाए, आप भी बोल सकते हैं तुम में क्या पाए, महिमा पाए। और तुम किस में महिमा पाओ, तुम किस में, हम किस में महिमा पाना है, प्रभु हमें महिमा पाना है और हमें किस में महिमा पाना है, नहीं संसार, संसार में लिखा है, अपने दोस्तों के बीच पर लिखा है, तू निराश हो, क्यों अपनी महिमा अनाविश्वासियों के बीच पर ढूंढ, क्यों अपनी महिमा अपनी बढ़ाई, महिमा अर्थात अपनी बढ़ाई क्यों हम अपने रिश्तेदार जो अविश्वासी है उनके बीच पर सोचते हैं, बच्चा कपड़ा पहनेंगे वो हमारी तारीफ करेंगे और यदि तारीफ नहीं किए तो आप भी निराश होंगे, तारीफ करते तो प्रभु का धन्यवाद, लेकिन उस तारीफ में भी उन्होंने एक बात बोलती है, अरे बिंदी नहीं लगाया, थोड़ी सी कमी निकाल दी तो उसमें भी आप निराश हो, इतने सुंदर तो दिख रही वचन से खाता है तुम उसमें महिमा पाओ, वो तुम्हें पाना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ है इसके लिए नहीं हुआ है, बाइबल के पहले करार और बाइबल के प्रकाशित पद की किताब आखिरी अध्याय और आखिरी वचन में लिखा है, क्या लिखा है, सब पवित्र लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है इसके लिए बचे हैं हम लोग, इसके लिए यहाँ पर बैठे, क्यों मालूम, परमेश्वर का अनुग्रह है, रास्ते पर बस में सफर करता था कहीं गाड़ी पर ना छोट पड़ती, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हमारी